ECHS के बारे में बताएं सभी फौजियों के लिए बहुत जरूरी है जैसे ही आप इसी आपको कार्ड मिल जाता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं सर आपके अकॉर्डिंग सी और एस पर रिलाये करना ठीक होगा ये सबको लेना चाहिए बट रिकमेंडेड नहीं, नहीं होगा इसको चैलेंजेस होते हैं सर आप लोगों को बता सकते हैं की कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए तो वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कई सारे फैक्टर्स है जो प्राइस एक फैक्टर होता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिनविजन चैनल इस चैनल के थ्रू हमारा एम है कि फाइनेंसिस को इस वे में समझाना कि एक क्लास के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिटायर्ड और आर्मी ऑफिसर और उनकी फैमिली के हेल्थ केयर के बारे में यानी ईसीएचएस के बारे में इससे रिलेटेड सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल संदीप महलवान जो कि आर्मी बेटर भी हैं एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं हेलो सर वेलकम टू टू शो थैंक यू एंड इट्स ऑलवेज गुड बी है Hello, सर वैसे तो ई के बारे में सब लोग जानते हैं पर फिर भी मैं कहूंगी कि आप एक बार फिर से ई के बारे में बताएं जिससे कि हम बाकी मुद्दों पे भी बात कर सकें बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है और सभी फौजियों के लिए आर्मी पर्सनल्स के लिए ई जो लागू होता है उनको ये बिल्कुल समझना चाहिए देखो तो पहले ई होता क्या है ई एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम इंश्योरेंस की तरह होता है जैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है ऐसे ही ये इंश्योरेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो सर्वेंट होते हैं उनके लिए सी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और आर्मी वालों के लिए डिफेंस पर्सनल्स के लिए होता है ई पहले ये मिलता किस किस को है जो लोग रिटायरमेंट होते हैं उनको मिलता है आज के दिन ये शॉर्ट सर्विस वालों को भी मिलने लग गया है और जब हम रिटायर होते हैं जो सुपर पी एम या सुपर इनोवेशन वालों की बात करें जो पेंशनबल उसके लिए आते हैं उनको ये मिलता है और इसके लिए ये कंट्रीब्यूटरी टाइप है जिसमें आपके ऑफिसर्स के केस में एक लाख बीस हज़ार रुपये आपके जाते हैं कहाँ से जाते हैं जब ये आपको ग्रेचुटी मिलती है उस ग्रेचुटी में से जो आज के दिन ग्रेचुटी पच्चीस लाख सबको मिलती है तो उसमें से एक लाख बीस हज़ार कट के आपको मिलती है एक लाख बीस हज़ार आपको ये स्कीम को सब्सक्राइब करना पड़ता है और तो ये करना जरूर चाहिए सबको क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं जैसे कि मैंने बोला हेल्थ इंश्योरेंस की तरह तो आप किसी भी ई सेंटर में जाके अपना इलाज, इलाज करा सकते हैं वहाँ पे ओ हो जाएगा और वहाँ से आप रेफर हो जाएंगे तो आप कहीं पे भी आप उसका इलाज जाके करा सकते हो ओके ये आपको जो कि पेंशनर्स को कवर करता है पेंशनर के डिपेंडेंट जो कि बच्चे हो सकते हैं और पेरेंट्स होते हैं उन सबको ये कवर करता है सर आपके अकॉर्डिंग ई और सी पर रिलाई करना ठीक होगा या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी सीरियसली कंसिडर करना चाहिए तो पहली बात तो ये सबको लेना चाहिए इसको मिस नहीं करना चाहिए वो अब डिफेंस पर्सनल के पास तो ऑप्शन भी नहीं है उन्होंने लेना पड़ता है और लेना चाहिए दूसरा आता है इस पर रिलायबिलिटी क्या हंड्रेड परसेंट आप इसी के भरोसे रह सकते हो या इन ए वे रह तो सकते हो पर रिकमेंडेड नहीं होगा इसको चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस क्या हैं ई के बारे में बात करें तो ई आपको कवर करता है ECHS Mm -hmm. जैसे ही आप ई आपको कार्ड मिल जाता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं इसमें कुछ okay. एम्पेनल हॉस्पिटल हैं कुछ नॉट एम्पेनल में आप जा तो किसी में भी जाके इलाज करा सकते हैं एम्पेनल में थोड़ा प्रोसेस सिंपल है और नॉन एम्पेनल में भी प्रोसेस आप इलाज तो करा सकते हैं प्रोसेस उसका थोड़ा सा डिफरेंट है वो हो जाता है okay. लेकिन आप जा तो किसी भी हॉस्पिटल में सकते हैं पर क्या वो हॉस्पिटल आपको वेलकम करेंगे क्रिटिकलिटी कहाँ आती है हॉस्पिटल्स हैं एक बिजनेस हाउस उसके पास ऑप्शन है लिमिटेड बेड है आपको बेड देगा तो उसने वो अमाउंट क्लेम करना पड़ेगा और जो उसको क्लेम होगा वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रेट है उस पर वो क्लेम करेगा उसका एक्सपेंडिचर okay. दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि जो मार्केट रेट जो है उस इलाज का वो कोई देने को तैयार है कोई कैश के साथ आ रहा है या हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आ रहा है तो उस हिसाब से क्लेम करे तो ओबियसली वो बिजनेस हाउस है उनको प्रेफरेंस देगा okay. तो ई का अगर आपने कहीं इलाज कराना है तो आपको जरूरी होता है कि एडमिट होना तो एडमिट होने के लिए बेड चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में तो बेड मिल जाते हैं लेकिन मेरा खुद का भी तजुर्बा यह है कि जब क्रिटिकलिटीज़ होती हैं तो आपको बेड नहीं मिलता है तो एक तो यह दिया गया। दूसरा है आपके जो डिपेंडेंट्स हैं आपके डिपेंडेंट्स उसमें ई सी में कवर होते हैं तो उनके लिए बेड ढूंढना तीसरा है कि डिपेंडेंट्स रहने के लिए ई कार्ड पर डिपेंडेंट रहने के लिए आपकी लिमिट है कि आप नौ हज़ार रुपये से ज़्यादा पर मंथ नहीं कमा सकते एक लाख आठ हज़ार रुपये से ज़्यादा आपकी एनुअल इनकम है क्योंकि आपको हर साल उसमें आपका आई भी अपलोड करना पड़ता है तो आप इसी से बाहर हो जाएंगे अभी नौ पर मंथ क्या है एक नरेगा के कर्मचारी को भी शायद नौ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं पर मंथ अगर वो काम करता है तो जैसे भी उन्होंने कोई भी एम्प्लॉयमेंट लिया तो वो इससे बाहर हो जाते हैं तीसरा है नॉर्मली तो हमें अपेरेंटली लगता है कि इसी में सब कुछ कवर होता है बट एक्चुअली एडवांस प्रोसीजर्स कवर नहीं होते हैं hmm. बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कवर uh, नहीं होते हैं जैसे कि मैं मेरे दांत में इशू रहता है तो मैं अभी डेंटल के लिए जाता हूँ तो मुझे रेफ़र तो कर देते हैं लेकिन हो जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका एक्चुअल इलाज कराने जाता हूँ तो बोलते हैं सर ये जो इसमें कैप वगैरह लगाएंगे वो तो आज के दिन यूज़ भी नहीं होता hmm. तो मुझे ऊपर से पैसे देने पड़ते हैं hmm. तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि रिडेंडेंट हो चुके हैं लेकिन ई सी एच एस एस में वही हैं एडवांस प्रोसीजर जो दिन पे दिन आपको पता ही है कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है डेवलप हो रहा है उसमें मॉडर्न प्रोसीजर्स कवर नहीं होते हैं वो सारी बीमारियां भी कवर नहीं होती तो इसलिए आप अगर अफोर्ड कर सकते हो कंपलसरी नहीं है अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो तो ई को एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के थ्रू उसको टॉपअप करना एक रिकमेंडेड ऑप्शन होगा Okay. आपको करना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो नॉर्मली तो काम चल जाता है सर बहुत ही कंसिटेबल रीज़न है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का आ? सर अगर कभी एमरजेंसी आती है और नीड आती है तो मैं उस टाइम इंस्टेंटली हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ और उसके बेनिफिट भी उठा सकती हूँ बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लें नहीं जैसे आप अगर आप स्मार्ट हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का भी बिजनेस हाउस है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो कोई भी प्राइवेट कंपनी का तो उसमें भी जेस्टेशन पीरियड होता है दो से चार साल मतलब कि कुछ बीमारियाँ आपकी आपको वेट करना है दो साल कुछ बीमारी के लिए हो सकता है वेट करना पड़े चार साल तभी वो कवर करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ अगर आप कुछ बताओगे तो आपका प्रीमियम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा अब ये नहीं हो सकता कि आप हॉस्पिटल के रास्ते में और बोले कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके मैं कम पैसे में अपना इलाज करा लूँगी वो पॉसिबल नहीं है तो लेना है तो टाइम से लेना है मेरा सजेशन तो ये होगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टाइमली एक ले लो छोटा प्लान ले लो उसको बाद में बड़ा कर लो सर आपके अकॉर्डिंग ई सी एच एस और सी जी एच एस के अलावा हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए यस yes. सर आप लोगों को बता सकते हैं कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए यस देखो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देना है डेलीकेटली जाना है उस पर डिलीवरेट करना है और तब लेना है फैक्टर्स क्या है देखो नॉर्मली तो आते हैं कि भाई उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं ये सब है प्राइस एक फैक्टर होता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जहाँ आप उसको यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज जहाँ पे आप सेटल हो रहे हैं वहाँ पे उसमें कितने हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स सारे हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं होते हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का अपना एक एम्पेनलमेंट होता है जिस जिस हॉस्पिटल में वो एम्पेनल्ड है जहाँ जहाँ वो कवर होता है वहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आपके एरिए में वो ज़्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स को कवर करे तो वहाँ उसका आप हेल्थ इंश्योरेंस लें वो एक मेजर फैक्टर होना चाहिए so क्या इसका टैक्स बेनिफिट क्या है गुड पॉइंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हो उसमें एक आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है नॉर्मली hmm. आपको पच्चीस हजार रुपये तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है hmm. अगर आपके एजेड पेरेंट्स हैं सिक्सटी ईयर्स एंड अबो तो आपको फिफ्टी थाउजेंड पर ईयर का आपको जो आपको प्रीमियम जाता है वो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है अगर आपको कोई सर्टेन एलिमेंट्स हैं या आपके डिपेंडेंट को एलिमेंट्स हैं तो ये जो टैक्स एग्जम्पन लिमिट है एक लाख रुपए तक भी हो सकता है और याद रहे फौजी भाइयों के लिए कि जो आप इसी इंश्योरेंस में एक लाख बीस हज़ार रुपये इनिशियली ऑफर्स देते हैं जवानों के केस में वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड या उससे कुछ कम है तो वो भी टैक्स एग्जम्पटेड है तो आप जब पहले साल का रिटायरमेंट के बाद अगर आप आई टी भरते हैं तो उसका क्लेम आपको जरूर लेना चाहिए okay. सर आपने भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है बिल्कुल तो आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया है येस yes, बिल्कुल uh, मैंने भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है ई के बारे में जब मैंने देखा जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई ई वैसे तो नॉर्मली तो अच्छा लगता है okay. कि वो क्रिटिकलिटीज में काम नहीं आता तो अपने एक्सपीरियंस के बाद मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है okay. मैंने जो लिया है प्लान वो पचास साल की एज में लिया है जिसमें मैं हूँ और दो डिपेंडेंट हैं दोनों बेटे सत्रह अठारह साल के वो उसमें कवर्ड हैं तो मैं उसमें चालीस हज़ार रुपये का प्रीमियम दे रहा हूँ और उसमें दस लाख का फ्लोटर प्लान है दस लाख विद अनलिमिटेड टॉपअप तो दस लाख विद अनलिमिटेड टॉपअप मेन मतलब है कि दस लाख का कवर आपको हर साल मिल जाएगा फ्लोटर है तो फैमिली में कोई भी उसको यूज़ कर सकता है मैं पाँच लाख यूज़ कर सकता हूँ बेटा पाँच लाख यूज़ कर सकता है या बे कोई एक सदस्य दस लाख यूज़ कर सकता है टॉपअप अमाउंट दे के टॉपअप भी करा सकते हैं ये है तो इसका मैं अगर मैं आपको कॉस्ट बेनिफिट बताऊं कॉस्ट बेनिफिट इसका ये है कि मैं चालीस हज़ार रुपये का प्रीमियम दे रहा हूं मान लीजिए अगर मैंने पच्चीस साल वो नहीं भी यूज़ किया तो मैंने अमाउंट कितना दिया चालीस आज के रेट में तो चालीस हज़ार इंटू पच्चीस दस लाख रुपये अभी मैं आज से लेके आज दो है दो तक मेरी फैमिली जो जो भी मेंबर्स हैं उस प्लान में कोई भी कि, किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी इमरजेंसी में जाके इलाज करा सकता है तो ये मुझे एक पीस ऑफ माइंड देता है अमाउंट कितना दिया दस लाख रुपए पच्चीस साल नहीं भी यूज़ किया तो दस ही गए पच्चीस साल में कहीं पर भी मैं एक बार हॉस्पिटल चला गया मुझे तो नहीं लगता दस लाख रुपये से नीचे मुझे हॉस्पिटल वाले वापस करेंगे तो मुझे ये एक पीस ऑफ माइंड देता है मैं तो नहीं, नहीं चाहूँगा मेरी फैमिली को कुछ बीमारी हो या कुछ ज़रूरत पड़े नहीं पड़ेगी तो अच्छी बात है पड़ेगी तो ये है तो मैंने ऐसे मैंने किया है तो मैं आप सबको भी एक रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट विद फैमिली फ्लोटर प्लान मैंने दस का लिया है तो दस ले सकते हैं पाँच भी ले सकते हैं और उसको आप धीरे धीरे उसको अमाउंट को बढ़ाएँ ई को तो टॉप टॉपअप आपने आप अगर, अगर अफोर्ड कर सकते हो कर ही लेना है और हेल्थ इंश्योरेंस इवन जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए Okay. उनको कंसिडर करने के दो तीन जो मेरे हिसाब से कारण हैं एक तो आपकी फैमिली जहाँ पे है ज़रूरी नहीं है वहाँ पे एमएच आप एमएच में जा इलाज करा सकते हैं एमएच में भी अपेरेंटली हमें लगता है सब कुछ कवर्ड है लेकिन सब कुछ कवर्ड नहीं है नहीं। क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही एक व्हाट्सएप घूम रहा था जिसमें एयरफोर्स के एक सर्जेंट थे वो डोनेशन मांग रहे थे क्योंकि उनकी बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो सब कुछ तो कवर्ड नहीं है दूसरा जहाँ आपकी फैमिली है आप तो रिमोट एरिया में है तो आपके पास तो एमएच होगा कितने भी रिमोट में लेकिन आपकी फ़ैमिली कहाँ है वहाँ पे एमएच कितना एक्सेसिबल है कितना दूर है तो हो सकता है आपको एक दो दिन बाहर इलाज कराना पड़े तो उसमें आपको कवर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो रिटायरमेंट के टाइम तो लेना ही है सर्विस में भी ले सकते हो और नहीं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सर्विस कैरियर जब आप रिटायर होने वाले हो साल दो साल पहले आप कंसिडर करेंगे तो अच्छा रहेगा mm -hmm. अफोर्डेबिलिटी एंड कॉस्ट में भी आपने आपको बता दिया है थैंक यू सो मच सर मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा कि ई और सी के अलावा हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लेना चाहिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं